बुधवार तड़के मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव मिलक बनकरा के घरों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया। चपेट में आकर एक के बाद एक दो लोगों की मौत हो गई। अपनों को बचाने में परिवार के अन्य सदस्य करंट की चपेट में आकर झुलस गए। गांव वालों की मदद से ट्रैक्टर के द्वारा सभी को मुंडा पांडे स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां पर मृतकों के परिजनों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। डेड बॉडी रखकर हाईवे जाम करने का भी प्रयास किया गया। पुलिस ने जमकर नोकझोंक हुई। आक्रोशित परिजन लापरवाह बिजली कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही और परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। हंगामा बढ़ने पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी हाईवे देशदीपक सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा किया। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। बाद में एसडीओ भी मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों के बीच वार्ता जारी थी। करंट की चपेट में आकर जान गंवाने वाले नन्नू सिंह और डोरीलाल मिलक मनकरा गांव के रहने वाले थे। क्षेत्राधिकारी हाईवे देशदीपक सिंह ने बताया कि आक्रोशित मृतकों के परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। गांव मनकरा में करंट से दो लोगों के मरने की खबर आग की तरह फैल गई थी। बड़ी संख्या में किसान यूनियन से जुड़े नेता घटनास्थल गांव मनकरा के बाद थाने पहुंच गए थे और विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने लोगों को शांत कराते हुए उन्हें बताया कि उनकी जो मुआवजे की मांग है, दोनों मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को विद्युत विभाग में ही संविदा पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की जो मांग है, उस पर बात की जा रही है। घटना रात 10 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली एक पोल तोड़ती है और ट्रांसफार्मर तोड़ देती है। उसी पोल पर ट्रांसफार्मर था। उसके बाद लाइनमैन आते हैं वहाँ पे, उन्होंने आधी लाइन गांव की आधी लाइन काट दी, आधी लाइन जोड़ दी। लगभग 12 बजे से के आसपास लाइन जिन्होंने जोड़ी थी। लाइन जोड़ने के बाद इन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी। इन्होंने उस ट्रैक्टर ट्रॉली वाले से पैसे वैसे ले लगा के उसका मसला कर दिया। वो लोग अपने चले गए। अब ये नहीं पता था कि उसमें 11 बजे की लाइन चल रही है। कुछ लोग सो चुके थे, 11-12 बजे सो ही जाते हैं। अब इन लोगों ने जब एक बंदा लगभग 1:30 बजे के आसपास उठे तो उन्होंने अपने पानी पीने के लिए गए नल पे और दूसरे पंखा चलाने के लिए। दोनों रोड के एक इस पार थे, एक उल्ली पार थे। पहले पंखा चलाने वाले को उन्होंने बिल्ली ने पकड़ लिया, वो ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए। उनका नाम नन्नू सिंह सनोप राम सिंह, दूसरे डोरीलाल सनोप बीरू सिंह। ये मिलक मनकरा के निवासी हैं, थाना मुंडा पांडे मिलक मनकरा से। अब ये मांग कर रहे हैं साहब, यहाँ पे अभी तो कोई अधिकारी नहीं, जे ही आए हैं, ना ही एसडीओ आए हैं, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी आए हैं यहाँ पे। और उनके एक के 7 बच्चे हैं, छोटे मासूम, सबसे बड़ी लड़की 6 साल की है, छोटा 6.5 महीने का है। अभी तक तो कोई भी यहाँ पे अधिकारी नहीं आए हैं। पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि साहब आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं। वो इसी बात को हमको वो समझा रहे हैं। वो लोग हम लोग ये चाहते हैं साहब, इनके लिए जो बच्चे हैं फार्मर हैं, ये किसान हैं, मतलब मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं, इनके लिए सरकार की तरफ से बाई हैंड जो इनकी अंत्येष्टि के लिए मतलब कोई मुआवजा मिले। बाकी जो प्रोसीजर बाद में होता है वो उनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए। मामला ये है कि जो बिजली विभाग है, इसकी इतनी बड़ी लापरवाही है कि एक ट्रैक्टर के द्वारा खंभे तोड़ दिए जाते हैं, वो भी नशे में था क्या था, और बिजली विभाग और एक्शन और उसका जेई शार्ट गार्ड करके उससे ट्रैक्टर वाले से पैसे लेकर के और नशे की हालत में जो लाइन मैन है उसमें 11,000 की लाइन दे देता है। वो तो ये अच्छा था कि गांव से 1/2 लाइन पहले ख़त्म कर दी गई थी, 1/2 में ही लाइन चली और रात के लगभग ये 8-10-11 बजे की बात थी। और अगर यही हादसा 9 या 10-8 बजे हो गया होता तो मैं समझता हूँ गांव पूरे का पूरा ही ख़त्म हो जाता। तो इस तरह की लापरवाही एक्शन सेकंड मुरादाबाद के द्वारा, बिजली विभाग द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही है और उसमें 2 किसानों की मौत हुई है और इतनी दर्दनाक हादसा हुआ कि उसका परिवार आज घर से बेघर हो गया, परंतु बिजली विभाग आज भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, परिवार वालों ने मांग रखी थी, परंतु उसमें जो बिजली विभाग का वही ढुलमुल रवैया अपनाया गया है कि आप दे देंगे, देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। 2 लोगों की परिवारों की जो खत्म हुई, उनकी नौकरी की बात हुई है। आए थे संबंध में ये सब लोग मुआवजे के संबंध में? क्या मुआवजे, क्या मांग रखी थी परिवार वालों है? क्या मांग रखी थी? 5-5 लाख रुपए इनके परिवार वालों को दिया जाएगा, उसमें जो विभागीय नियमानुसार दिया जाता है ना। उसके अलावा अलग से ये लोग कह रहे थे कि हमारे जो वो हैं, इनके जो मृतक आश्रित हैं उनको वो दिया जाए, उसमें संविदा में रख लिया जाए। तो दो मनकरा गाँव के है ना, तो दो जो इसके वो हैं इनके विभाग, इनके उसके परिवार के, उनको उसमें संविदा पे रखा जाएगा, 2 लोगों को ये है। बाकी अलग से इनकी डिमांड
कैश की, तो वो उसके बारे में बात चल रही थी, वही सब था मैटर। ठीक है, क्या डिमांड की थी और जो अलग से कैश की? अलग से 4 लाख रुपए देने की बात हुई है, इनको 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, दोनों परिवार को 2-2 लाख रुपए।